क्या तुम्हें तो लगता नहीं भी शिव सरंग जे पूरे पंजाब चो कट्ठे हो जाए तो मास्टर सलीम का घर नहीं घेर सकते, चलते ये प्रोग्राम नहीं रोक सकते। असी बिल्कुल भी कानून आपके हाथ नहीं लिया। असी नंगल डैम जाके भी जिते नवा नंगल का परसों प्रोग्राम से उत्थे जाके भी अपना विरोध दर्ज कराया। 3 दिन तक जो परचा दर्ज नहीं हुंदा मास्टर सलीम तो कानूनी कार्रवाई जारी नहीं हुंदी बनती। जलंधर के SSP जलंधर के हाथी ने दफ्तर के मूहरे अणमिथे समय लिए धरना देंगे। असी यह नहीं कहते भी बिल्कुल असी दूजे दे उंगल चुकनी है, असी अपने घर तो भी शुरुआत की है। जिहड़ियां भी आयोजना दे विच कोई मर्यादा का लंघन हुंदा है, कोई झांकियां कराउंदा है या होर भी जिहड़े इहदे नाल दे मसले है, असी अपनियां नूं भी पहला प्यार नाल उस तो बाद कानूनी कार्रवाई दे नाल कि वह परमात्मा दे दर ते गया। लेकिन भारत का संविधान की कहिंदा, क्या संविधान ते कानून इस तरीके की माफ़ी नूं एक्सैप्ट करदा है? क्या इहदे नाल लोकां दीआं भावनावां ठीक हो गईआं? पंजाब दे प्रसिद्ध गायक मास्टर सलीम दे नाल जुड़िया विवाद एक बार फिर गरमाउंदा नज़र आ रहा है। बेशक मास्टर सलीम वल्लों माता चिंतपुर्नी दे दरबार दे विच जाके माफ़ी मंग ली गई है। उस तो बाद पटियाला दे काली माता मंदिर दे विच नतमस्तक हुंदे ने मास्टर सलीम और उत्थे उन्हां नूं जागरण करन दी मर्यादा अनुसार अनुमति भी दे दित्ती गई है। पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो लगातार ये मंग कर रहे ने कि जो मास्टर सलीम ने माता चिंतपुर्नी जी उपर विवादित टिप्पणी की सी उस बाबत मास्टर सलीम दे उपर कार्रवाई होनी चाहिए है। इसे एवज दे विच अज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दे जिहड़े प्रवक्ता ने चंद्रकांत चड्ढा उन्हां वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस लुधियाणा दे विच कीती गई, जिस विच उन्हां ने सीधे तौर पर यह गल आखी है कि माफ़ी सलीम नूं नहीं दिती जाएगी और असी कोशिश कर रहे हैं कि उस दे उपर बनदी जिहड़ी कार्रवाई है वह की जाए। पत्रकारां दे नाल गलबात करते हुए चंद्रकांत चड्ढा ने की जानकारी सांझी की, आओ आप उस जानकारी नूं सुन लैने आ। सारे पत्रकार वीरां दा सब तो पहला तहे दिलों धन्नवाद। शिवसेना के पंजाब के सूबा प्रधान योगराज शर्मा जी के दिशा निर्देश से अज लुधियाने विखे साडे जिला प्रधान नितिन कांड जी की देखरेख एक अहम प्रैस वार्ता जी आयोजित की गई, जिदे मेरे नाल साढ़े पंजाब के ट्रांसपोर्ट विंग के सूबा प्रमुख श्री मनोज टिंकू जी, साढ़े युवा सेना के जनरल सकत्र पंजाब गौतम सूद जी, लुधियाने के चीफ पैटर्न रजिंदर भाटिया जी, मदन नायकर जी और वरुण खन्ना जी मौजूद ने। एक अहम गल तुहाडे नाल सांझी करन दे लई कि जिहड़ा पिछले कुछ दिनों तो एक जिहड़ा मास्टर सलीम गायक वालों बेअदबी की गई माता चिंतपुर्नी दरबार के बारे आपत्तिजनक जी है शब्दावली वरत के दुनिया भर च रेंदे महामारी के भगतों का उन्हों की आस्था के नाल जिहड़ा खिलवाड़ किया गया, उस गल नूं लैके शिवसेना वालों पहले दिन तो ही इस पूरे मामले के संज्ञान लिया गया। पहले दिन असी महामारी के दरबार के आदरणीय पुजारीगणा नूं वीडियो कॉल के राही इस गल का खुलासा किया कि जिहड़ा मंच तो झूठ बोलिया गया और जिहड़ा बाद दे विच खुद गायक वालों भी आपकी वीडियो पा के गल स्पष्ट की भी पुजारी जी ने मैनूं यह गल नहीं कही, ये मैं कहा सी, उहदे वल्लों भी उहदे सोशल नैटवर्क की गल क्लीयर है। और जदों शिवसेना ने इस गल का खुलासा किया समुचे मीडिया ने आपका सहयोग दिता तो बंदे विवाद तो बाद कई तरह दीआं माफ़ियां जिहड़ियां सामने आईआं। हालांकि शिवसेना वालों पहले दिन थाना प्रभाई जिला ऊना हिमाचल में शिकायत दर्ज करवाई गई, उस तो बाद लुधियाना मानयोग पुलिस कमिश्नर साहब नूं शिकायत दी गई, डिवीजन नंबर 144 जिहड़ी है लुधियाने वह भी शिकायत दी गई और उस तो बाद जिते सारा ये मामला नकोदर डेरे के जिहड़ा मंच ते गल हुई है उन्होंने जिहड़ा जिन्हां दे जुडिशरी दे सारे अंदर पैंदा SSP जलंधर देहाती जी नूं भी असीं एक मंग जिहड़ी है शिकायत पत्र वह पिछले हफ्ते सौंप के आए हैं 6 तरीक नूं, ते अज क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बार बार सानू बेनतियां करदे कानून के दायरे के असी बिल्कुल भी कानून आपके हाथ नहीं लिया। असी नंगल डैम जाके भी जिते नवा नंगल का परसों प्रोग्राम से उत्थे जाके भी अपना विरोध दर्ज कराया, तो असी मानयोग पुलिस प्रशासन तो बड़ी उम्मीद सी सानू भी सानू जरा इंसाफ मिलेगा, बट इस मसले के बच्चे सानू लगता है कि हमेशा ही तरह जिदा अज तो करीब 1.5 साल पहला सानू जस्सी गिल की एक फिल्म आई सी क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा, 27 दिन का संघर्ष करना पिया ता जाके FIR दर्ज हुई, क्योंकि सनातन धर्म प्रेमियों के नाल किते ना किते पंजाब दे विच दोगला मापदंड हुंदा है, दोगली नीति हुंदी है, किते ना किते कारण साढ़े कुछ अपने भी नहीं। लेकिन इस बार शिवसेना वालों बिल्कुल किसी गल की माफ़ी नूं साफ इनकार करदे आ, कानूनी कार्रवाई जद तक नहीं हुंदी इस संघर्ष नूं वाधा किया जा रहा है। 3 दिन का अल्टीमेटम असी पुलिस प्रशासन नूं दिता, 3 दिन तक जे परचा दर्ज नहीं हुंदा मास्टर सलीम ते कानूनी कार्रवाई जारी नहीं हुंदी बनती, तां 3 दिन बाद पूरे पंजाब चों
शिवसेना के सूबा प्रधान योगराज शर्मा जी की अगवाई हेठ पूरे पंजाब चो शिव सैनिक जिहड़े आ जलंधर के SSP जलंधर देहाती दफ्तर के मूहरे अणमिथे समय लिए धरना देंगे और जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी इस संघर्ष के किसी भी तरह का असं पिछे नहीं हट रहे। जिहड़ा भी त्याग कुरबानी देनी पेगी वो असं तैयार हाँ, किसी भी तरह के दबाव के असं पिछे नहीं हटांगे। चंद्रकांत जी जिन्होंने पुजारी जी की गल करते हो कि जिन्हों कन्वर्सेशन की गल सलीम जी ने कही थी बिल्कुल उन्होंने कोई भी वीडियो सामने नहीं आई। मेरे नाल जिन्हां दी पंडा जी विक्की कालिया जी की गल हुई है उन्होंने एक भी वीडियो दिखा दो कि उन्होंने कोई माफ़ी का शब्द भी किया हो। जो असं किसी दरबार से जाने उत्थे मैं दसना चाहुंदा कि उत्थे एक पुजारीगण नहीं है, उत्थे तकरीबन काफ़ी पुजारी ने जिहड़े उत्थे महामाई दे सेवादार ने। तो बाद दे विच मैं तुहाडी गल च जानकारी च वाधा करदे हाँ कि माँ चिंतपुरनी दरबार दे जिहड़े होर ब्राह्मण समाज नाल संबंधित लोग ने उन्हां वालों लीगली कार्रवाई उन्हां वालों भी की जा रही है। तुसीं देखो भी पटियाले विखे एक संत स्वरूप चोला धारी उत्थे दे जिहड़े गग्गी पंडित जी ने माफ़ी देती, हालांकि किसी को अधिकार क्षेत्र तो है ही नहीं। सनातन धर्म के मैं दसना चाहुंदा हुण तक कोई सिरमौर संस्था ही है नहीं कि जिहड़ी माफ़ी देन दा जिहनूं सारे ही सनातन धर्म प्रेमी जिहड़े आ उह फॉलो करदे होण। और जे गल है माफ़ी की तो माफ़ी जिहड़े साडे जेल दे विच कैदी भरा बंद ने जिन्हां नूं सजावां मिलियां होईआं कोई किसी भी मामले च वह भी माफ़ी मंग लैंदे आ ते उन्हां नूं भी बाहर कढ़ दईए। भारत का संविधान ते कानून इस तरीके की माफ़ी नूं किसी तरीके नाल नहीं मंनदा। दूसरा बाबा बोहड़ कहे जांदे गायकी दे अज तो 2 साल पहला 2021 दे विच इन्हां दिनां दे विच इसे मंच दे उत्ते और डेरा नकोदर दे चेयरमैन उन्होंने भी एक कंपैरिजन किया गुरु साहब दे नाल लाडी शाह जी का तो माफ़ी तो उन्होंने भी मंगी सी। बट 295 का जो मुकदमा गुरदास मान वर्गी शख्सियत दर्ज हो सकता है तो जिहड़ा अपने आप नूं लाइमलाइट च रखण दी हर महीने माफ़ी मंगण वाला गायक है या इहदे नाल दी होर जिहड़े अजकल जिन्हां नूं एक सौखा तरीका मिल गया लाइमलाइट च आउण दा भी किसी भी धर्म के बारे पहला विवाद भरी टिप्पणी दे दिओ बाद च इक फंडा नाल पक्का भी माफ़ी मंग लो। सो इस बार एक मिसाल जिहड़ी है वह शिवसेना कायम करेगी और लंबी लड़ाई असीं इह नहीं कहिंदे वी बिल्कुल असीं दूजे दे उंगल चुकनी है। असीं अपने घर तों वी शुरुआत कीती है जिहड़ियां वी आयोजना दे विच कोई मर्यादा दा लंघन हुंदा है कोई झांकियां कराउंदा है या होर भी जिहड़े इहदे नाल दे मसले है असीं अपनिआं नूं भी पहलां प्यार नाल उस तों बाद कानूनी कार्रवाई दे नाल बिल्कुल इस मामले दे विच कोई असीं पिछे नहीं हटण वाले। जिवें सिखां दी सिरमौर संस्था है अकाल तख्त साहिब उहदा हुकम सिर मत्थे गिणिआ जांदा है देखो माता चिंतपुरनी दे दरबार जो मास्टर सलीम गया तो महामाई ने मैनूं लगदा साक्षर उत्थे एक इशारा दिता। सारे सनातन धर्म प्रेमियों ने भी उस इशारे नूं देखिया और मेरे ख्याल मीडिया ने भी इस गल नूं काफी देखिया कि उत्थे जिस बंदे नूं जिहड़ा बंदा कहिंदा मैं पिछले 30-35 साल तो मर्यादा दे नाल महामाई दे नाल जुड़िया जिहदा अपना एक दावा तो वह कहिंदा मैं जागरण भी कर रहा उन्हूं उत्थे चरणामृत नहीं ग्रहण करना आया उहदे नाल दे लोकां ने ते आदरणीय पंडित जी ने उहदा हथ सही किया तो इत्थों महामाई ने तो एक इशारा देना सी। साक्षात महामाई ने उत्थे एक इशारा जिहड़ा सनातन धर्म प्रेमियों नूं दिता। तो मैं गल फिर कहना चाहुंदा किसी दे वी अधिकार खेत्र दे विच नहीं है। सनातन धर्म बहुत विशाल है दुनिया भर च रहिंदे लोगों की आस्था नाल खेडिया गया और ये एक बार नहीं होया उत्थे ये उस मंच के 2 बारी होया उस तो पहले दी भी वीडियोज़ आ गई। हिंदू समाज दे विच कोई तकत है मैं दसदा रहा जी साडी ये अफसोस है भी अज एक कमी महसूस सानू हुई है कि देखो इस मामले नूं जिद्दां पंजाब दे विच डिवर्ट करन दी प्रयास किया गया। ठीक है एक बंदे ने आपकी भुल बख्शाउण दे लई महामाई दे दरबार ते गया वो अच्छी गल है कि वह परमात्मा दे दर ते गया लेकिन भारत का संविधान की कहिंदा क्या संविधान ते कानून इस तरीके की माफ़ी नूं एक्सैप्ट करदा क्या इहदे नाल लोकां दीआं भावनावां ठीक हो गईआं। एक बंदा पहले गुनाह लगातार कर रहा और अज की डेट के मैं लगता भी जे किसी नूं जरूरत तो वध दौलत शौहरत मिल जाती है तो बड़ी औखी हो जाती उस चीज़ को संभालन की तो शायद मास्टर सलीम वर्गे गायक इस चीज़ को भुल गए जिहड़े मर्यादा का लगातार उल्लंघन कर रहे अज तो 1 महीना पहला 19 जून में इसे गायक वालों एक किसी बरादरी बारे खास कम्यूनिटी बारे पहला विवाद छिड़िया गया जो उस गल का विरोध भी होया मीडिया के लाइमलाइट आ गए तो सौखा तरीका कमरे बह के माफ़ी मंग ली भी मेरा रिस्पैक्टेबल ने। यह चीज़ा लगातार हो रही इसे गायक वालों तुम इनका सोशल नैटवर्क चैक कर लो मेरे तो बाद तुम देख सकते हो कोई मेरी निजी रंजिश नहीं है लेकिन एक विवाद बार बार करके लोगों दिन भावनावान खेडने वाला कोई भी गायक हो
उन्होंने बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। और लोगों को कानून का डर भी ता ही होएगा। देखो कोरोना के भी एक वीडियो देखी होनी है इस गायक की, जो उत्ते कि पुलिस न बहस हो रही है, एक जिहड़ा पुलिस अपनी ड्यूटी से खड़ा मुलाजम उस कि बहस हो रही है, बाद किस तरीके की लैंग्वेज वरती गई, ये सारिया गल्लां कितने ना कितने जता भी ये लोग जो शोहरत इन्हों हासिल हो गई है तो कानून का डर इन्होंने भुलता जा रहा है। तो उस डर कायम रखने के लिए भी कानूनी कार्रवाई जरूरी है। कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं क्या तुम्हें लगता नहीं भी शिवसेना जे पूरे पंजाब चो कट्ठे हो जाए तो मास्टर सलीम का घर नहीं घेर सकते, चलते ये प्रोग्राम नहीं रोक सकते। असी परसों भी नवा नंगल जो गए हैं तो असी उत्थे कोई क्योंकि साडा अपना प्रोग्राम से माँ भगवती का जागरण से, असी नहीं चाहते सके साड़ी उत्थे विरोध करन नाल उस कार्यक्रम के अनुष्ठान के कोई विघन पवे। असी अपना विरोध शाम को दर्ज कराया, अपना विरोध दर्ज कराने तो बाद उत्थे दी कमेटी नाल मिले और उन्होंने सानू आश्वासन दिता कि अगो ये जिहड़ा गायक है बिल्कुल नहीं आएगा। असी अपने लोगों को जागरूक किया कि साडा रोष है, असी रोष व्यक्त किया कितने ना कितने जिहड़े समाज में दो फाड़ करन वाले लोग ने जिन्हां दी गल कर रहे हो कि एक दिन पहला स्टेटमेंट कुछ बाद च कुछ, ये समाज में गुमराह करने वाले लोग ने, इन्हों की भी जांच होनी चाहिए। पर उन्होंने कि ना कि ये कहा कि अगर महामारी ने उन्होंने नतमस्तक होकर माफी दे दी है फिर तुसी कौन? मैं मैडम तुहानू पहला भी कह चुके हैं भी हजे तक किसी को राइट नहीं है भी किसी के वलों असी कह रहे हैं। एक दिन पहला का बयान देखो ना, समाज में गुमराह कर, यह मीडिया ने भी सवाल चुकना चाहिए। मैं समझता कि मीडिया साडा चौथा पार है, चौथा पावा सॉरी, इस साडे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो तुसी प्लीज़ तुसी भी इन्हां लोगों को सवाल पूछो भी एक दिन पहला तुसी लोगों को किहड़े पासे ले जा रहे हो और दूजे दिन किदा महानता दस रहे हैं, किदा उपलब्धियां गिना रहे हैं कि एक दिन पहला उपलब्धियां नहीं सी, जिहड़ा पछोकड़ एक दिन बाद सामने आया। सो ये लोगों को बचन की भी जरूरत है। साडा जिहड़ा स्टैंड है शिवसेना का स्पष्ट है, पूरे पंजाब दे विच इहदा विरोध चल रहा। जे आने वाले तीन दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुंदा ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼।